उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 600 अरब डॉलर जो है वो प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं, ये उसका बदला है। ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट था जिसके तहत सीपैक जो है वो लॉन्च हुआ है, ये उसके लिए एक अल्टरनेट प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है। और पाकिस्तान को फिर इसमें से बाहर को जैसे डीप थिंकिंग है ना वो करने की जरूरत है, अदरवाइज श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगी। नहीं बात है वो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा स्टार्टिंग में पीएम मोदी जी का जो विजिट है, आप आगे देखेंगे पाकिस्तान का रिएक्शन। ऑब्वियसली अरब कंट्रीज़ में ये विजिट है जो भारत के मुसलमानों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, स्पेशली जो जुबैर अभी अरेस्ट हुआ है उसके द्वारा आज एक मर्डर भी हुआ है भारत में, उसी को मैं जिम्मेदार मानता हूँ उस मर्डर का उदयपुर में, जिस तरीके से आपने देखा होगा। तो वो टॉपिक तो है नहीं वीडियो का, उसके बारे में लास्ट में करते हैं बात। आप देख सकते हो पीएम मोदी का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है यूएई में, और इंडियन मुस्लिम क्या चाहते हैं, इंडियन प्रोडक्ट बैन हो अरब में, इंडियन एक्चुअली में हिंदू बैन हो जाए अरब कंट्रीज़ में। वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पे डिटेल में बात। कमर चीमा ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भाई ये मजहब जो बेचा है पाकिस्तान ने ये नहीं चलने वाला, चलेगा सिस्टम केवल अर्थव्यवस्था का, कैसे इंटरेस्ट किस कंट्री से हमें फ़ायदा होगा। पहले ये वीडियो देखते हैं फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे उनको यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एमबीजेड जो है वो लेने आए हैं, और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। और ये आपको पता है कि ये जो वेलकम है ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बिल्कुल बाद में हुआ, सो इट मीन्स के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाजा नहीं है, और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मज़हब ही वो चीज़ है डिटरमिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, लेकिन पता चला कि नहीं, मज़हब नहीं है जो चीज़ लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब यूएई और इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑन बिजनेस, बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स इन कश्मीर, जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, $100 बिलियन की वो ट्रेड करने लगे 2030 तक, I2U2 में वो पार्टनर हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अमीरातीस के साथ इस तरह की है, तो आप क्या समझते हैं कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन दैट। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने, मैं मोस्ट रिसेंटली आपको आज की खबर दे रहा हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान ने अमीरातीस को कहा है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो है वो ताकि हमारे हम जो लोन्स पे कर सकें। अमीरातीस ने उसके ऊपर शर्त लगा दी, वो कहते हैं ठीक है आप हमसे पैसा लेना चाहते हो ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन जो पब्लिकली लिस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उसमें हमारे शेयर्स दें, हमारा माइनॉरिटी शेयर दें। 10-12% शेयर उन्होंने अमीरातीस ने मांग लिया है पाकिस्तान से, ये यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऑफर की है और बड़ी फेयर ऑफर मुझे लगती है। द रीजन बिहाइंड है आपको कोई बंदा पैसा नहीं देगा। चाइनीज ने $2 अरब का रोल ओवर किया है जो कि होना था, और फिर ये है कि अभी कुछ 2.3 बिलियन डॉलर उन्होंने जो है हमें रिसेंटली बेचा है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूएई का फ्रेंडली कंट्री है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जारी बात है हम वहाँ जाते हैं पैसा मांगने, हम जाते हैं वहाँ पे कर्जे मांगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भाई हमारे पार्टनर नहीं है, वो हमें जूनियर पार्टनर समझते हैं। और हमें इस चीज़ का अगर नहीं अंदाज़ा, हम क्योंकि खित्ते में बड़ा अपर हैंड रखना चाहते हैं, तो लेकिन जो वर्ल्ड जो है वो हमें खित्ते में अपर हैंड नहीं दे रही,
हमें खित्ते में अपर हैंड तब मिलेगा जब हम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशियंट हो गए। अभी ये जो इमारातीज ने प्रपोजल भेजा है ये बेसिकली इस तरह का प्रपोजल उन्होंने उन्होंने इजिप्ट को भी एक भेजा था, और उन्होंने इस पर मेरा ख्याल है जो स्टेट ओन्ड कंपनीज थी उसमें कोई $2 अरब का इन्वेस्ट किया था, लेकिन क्योंकि वो अरबी हैं आपस में सऊदीज के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बीच में इसराइल फैक्टर भी है, अमेरिका फैक्टर भी है जो कि इसराइल और अमेरिकन इजिप्ट को सपोर्ट करते हैं, आपको पता है वहां पे एक और किस्म की, सो दैट सऊदी चाहते हैं, ये सारे चाहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड को वहां दबाया जाए और ये एक प्रोग्रेसिव या इस तरह की जो डिक्टेटर है जिस तरह सीसी जो है वो आए तो उनको सपोर्ट किया जाए। खैर एनी वो एक डिफरेंट केस है। अब यहाँ पे ये है कि अब यूएई कह रहा है कि हम पैसा लगाते हैं लेकिन आप जो है वो सबसे पहले हमें वो दें, हमें शेयर्स दें। अब यूएई की जो सॉवरन फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है और कुछ ग्रुप्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम पाकिस्तान में पैसा, इसी तरह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है वो कहते हैं जी हम ठीक है पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं वो, लेकिन उसके लिए लेकिन हमें पता तो चले कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। अब आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान को तकरीबन 27 ट्रिलियन रुपीज चाहिए, 27 ट्रिलियन रुपीज चाहिए किस चीज के लिए, बिकॉज हमें कर्जे वापस करने हैं, हमें मुल्क चलाना है, हमें अपना निजाम चलाना है, और ये पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये एक्सपेंडिचर्स नेशनल असेंबली में पेश कर दिए हैं कि भाई 27 ट्रिलियन का बंदोबस्त कर लो वरना मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। पैसा तो अरेंज हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन ये है कि पैसा पैदा नहीं हो रहा, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। पैसा अरेंज करना मुल्कों को तो लोग कर्जे दे देते हैं बिकॉज दिस इज अ कंट्री, वहां और यहाँ से बहुत कुछ वो ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसके अगेंस्ट हमें फिर मिलेगा कुछ नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया आज $107 मिलियन की डेट सस्पेंशन का, $107 मिलियन की डेट सस्पेंशन का, और पाकिस्तान और फ्रांस जो है इससे पहले, और ये जो वायदा है बेसिकली इन्होंने G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव उसके तहत किया है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट उन्होंने साइन किया, और कुछ अर्सा पहले साल दो साल पहले चले जाएं तो यहाँ पे पाकिस्तान ने फ्रांस को यहाँ पे गालियां दी जाती थी, उनको कहा जाता था इनके सफीर को यहाँ से निकाल दो और उनके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क बन चुका था, और लेकिन आज आखिर में पता चला है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो चाहते हैं छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कमर शीमा एक्सप्लेन कर रहे थे सऊदी अरब हो या यूएई हो या गल्फ कंट्रीज हो, स्पेशली गल्फ में कुवैत ही हमारा एक थोड़ा सा एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे, आपको भी पता है अल जजीरा और बहुत सारी चीज़ों का वहाँ से ऑपरेट होती हैं। तो जो अभी इंडियन मुस्लिम्स स्पेशली जुबैर ने जो एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की, पूरा वीडियो दिखाया ही नहीं, जो नुपुर शर्मा का था वो हाफ वीडियो दिखाया, उस वीडियो पर क्लैरिफिकेशन आया पाकिस्तानी मौलाना का, उसने बोला कि नुपुर शर्मा गलत नहीं है वहाँ पर, पाकिस्तान का एक फेमस मौलाना, उसने क्लियर बोला कि सामने वाला मुस्लिम गलत है, उसकी वजह से नुपुर शर्मा को ये बोलना पड़ा। तो आप समझ सकते हो आज उस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से, जुबैर की वजह से एक जान गई, कैसे जान गई आपने देखा, कैसे टेलर को मारा गया उदयपुर में, उसके बाद आप देख सकते हो कि वो बंदे खुलेआम घूम रहे हैं। इन लोगों का क्या सोल्यूशन है, आपके पास कुछ सॉल्यूशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे पास सॉल्यूशन है सिंपल सा, इनका बायकॉट करो। ये कोशिश करेंगे नाम बदलकर, होटल में ऐसा नाम लिख देंगे शायद साईंराम होटल, आप जाओ बारकोड चेक करो, वहाँ से आइडेंटिफाई करो, कोशिश करो किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई करो, बायकॉट करो और बताओ कि हम तुम्हारा प्रोडक्ट बायकॉट कर रहे हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि तुम्हारे जो कम्युनिटी के लोग हैं ऐसे निकल रहे हैं और इस तरीके की बात करते हैं, और लोगों के विरोध में अगर तुम कमेंट नहीं करोगे, इन लोगों के खिलाफ तुम वीडियो अपलोड नहीं करोगे, विरोध नहीं करोगे, तो फिर हम ऐसे ही करेंगे। अगर ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये बड़े लेवल पर हो गई ना, तो डेफिनेटली इन लोगों की कम्युनिटी से ये लोग निकलेंगे और इन लोगों के खिलाफ बोलेंगे कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा ऐसा नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट पे अपनी भी राय रखिएगा। वीडियो से हटके टॉपिक पे मैंने बात कर ली है, बात ये थी कि इस्लाम 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 करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मुस्लिम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश इन तीन देश के मुस्लिम, और आप अफगानिस्तान भी जोड़ लो, श्रीलंका भी जोड़ लो, सबकी एक ही मानसिकता है, बस इनको कुछ नहीं दिखता है, सर तन से जुदा, बस ख़त्म, यही कहानी है इनकी। इनका इलाज कैसे किया जा सकता है आप बताएं कमेंट में। रही बात यूएई सऊदी अरेबिया या और भी कई अरब कंट्रीज़, उनके इंटरेस्ट है, उनको पता है उनकी फ्यूचर अर्थव्यवस्था, अगर तेल ख़त्म हुआ ख़त्म कंट्री, तो वो अपने आप को ऐसा डेवलप करना चाहते हैं कि फ्यूचर में भी उनका कंट्री उसी तरीके से इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहे जैसा अभी है, तो वो अपने इंटरेस्ट देखेंगे, बाकी बात